रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने गुड़ अंतर्गत विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और खरीदी गई मात्रा तथा स्टॉल बुकिंग के अनुसार किसानों से धान खरीदी के विषय में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने वेयर हाउस रीठी धान खरीदी केंद्र बरहदी क्रमांक 1 सेवा सहकारी समिति केंद्र गुड़ का निरीक्षण करते हुए उपस्थिति अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीदी कार्य को गति दें और पर्याप्त मात्रा में केंद्रों में बरदानों की उपलब्धता रहे। उन्होंने कहा कि खरीदी गई धान साफ हो, साथ ही मानक अनुरूप 17% नमी का पालन करें। कलेक्टर ने केंद्रों में धान की क्वालिटी तौल भराई कार्य का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि अधिक संख्या में मजदूर लगाकर खरीदी कार्य को गति दें ताकि आने वाले किसानों का धान समय से खरीदा जा सके और उन्हें अनावश्यक इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने प्रति दिवस स्टॉल बुकिंग के अनुसार की गई खरीदी की भी जानकारी प्राप्त की। खरीदी केंद्रों में कलेक्टर ने किसानों से संवाद किया। ग्राम नईकिन के कृष्णाधर द्विवेदी, खजुआ के परसुख चौरसिया, शिव कुमार एवं बड़ा गांव के अनुज तिवारी ने बताया कि वह आज ही धान लेकर आए थे, उनकी धान की तौलाई हो गई है। वह केंद्र में की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में पानी प्रकाश छाया के अतिरिक्त ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में छन्नों की उपलब्धता, सिलाई मशीन रखे जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व खरीदी से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्रों का भ्रमण करें और सुचारू खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में बरदानों की उपलब्धता पर्याप्त रहे, कहीं से भी बरदानों के कारण खरीदी प्रभावित ना हो, साथ ही खरीदी गई धान के परिवहन की भी व्यवस्था कराएं। भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, SDM गुड़ डॉक्टर अनुराग तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। और पूरा अपने पचास घंटा दूध में भिजवा दें। दो दिन में क्या भिजवा दोगे? पचास का खाना पूरा जो अपने पहले ऑर्डर किया था पूरा राष्ट्रीय 36,000 क्विंटल यहाँ खरीदी हुई थी, उसके मान से महसाओं में आज कराएंगे शाम तक। मौसम तो 17 मैक्सिमम होना चाहिए। किसान किसका हो धान क्या नाम है? अनुज कुमार तिवारी। तीन कालीन कितने होते हैं? यही 17-18 जो बड़े किसान हैं तो इकट्ठा लगे रख रहे हैं, इसके बाद फिर जब उनका पूरा माल आ जाए तो लाई कराएंगे। पूरा माल आ जाएगा तब तो लाई कराएंगे। कितने स्लॉट बचेंगे आपकी? अभी 5 तारीख तक बच्चे हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कराना पड़ेगा। पानी आनी की क्या व्यवस्था करें? पानी लकड़ी अलग लकड़ी मोटर नहीं, लेकिन किसान ज्यादा।